अपना क्या शिकायत कर रहे थे आप? मैं कह रहा था सर कि हमारे पास ना तो लेटरिन मिली आज तक, हमारा पुराना घर सा गिर गया है, ना घर मिला, मेन सड़क पे सब देख सकते हैं हमारा घर गिरा हुआ है। अच्छा तो एक काम करूँ, तो गौशाला हम अपने घर के अंदर में छोटा सा घर बना रखे हैं, उसमें भैंस बांधते गौशाला। काम करो ना आप, मुझे एक लिखित में दे दो, एक तो आपका जो घर खिसक गया है उसका हम आपको दे देते काउ शेड। दे 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 हम आपको फौरन दे दो, आप लिख करके मुझे दे दो। कौन सा गांव है आपका? इनको भेजेंगे, ये आएंगे आपके घर पे पंडित जी ठीक है, आप इनको आधार कार्ड दे देना। अमीरी कैसे, इनके पास पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता चला कि इनकी अमीरी आई है मेहंदी से, ये मेहंदी लगाते हैं, पूरे देश में बेचते हैं, सारी मेहंदी पूरी देश की आती है सुजात से, और सुजात में एक एक बच्चा विदेश पढ़ता है, कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई छुट्टी मना रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में जा रहा है शादी कर रहा है, तो बड़े बड़े शानदार महलों में शादी कर रहा है, और ये सब आपकी तरह गांव वाले। तो फिर मैं, मेरे मन में ये देती हूँ प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने ये राहत दी है, और मेरी उनसे विनम्र निवेदन है कि वो गैस प्राइसेस में भी ये थोड़ा सा कम करके औरतों को राहत देता है। मैं मोदी जी और योगी जी दोनों का धन्यवाद करती हूँ। मालूम नहीं है बीर सिंहपुर का, अभी तक हो जाना चाहिए, लेकिन अब इनका कहना है कि कोई इंजीनियर ने वहाँ से पैसे गबन किए हैं, तो अब हमने चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की है, और अभी फ़ोन आया था MDGM का कि वो बना करके हमको अगले महीने तक दे देंगे। अब देखिए, तो इस दफ़ा हम इस वाली वापस ले लेंगे।